हेलो एवरीवन, मैं पायल विश्वकर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉगर पायल की दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग ना थोड़ा लेट आएगा, थोड़ा नहीं बहुत लेट आएगा, क्योंकि इतना काम घर पर पड़ा है दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत लेट शुरू हुई है, शूट हुई है, इसीलिए जो है थोड़ा ब्लॉग भी थोड़ा लेट आएगा। तो अभी देखिए मैं क्या बना रही हूँ। अभी तो मैं भजिया तल रही हूँ, और ये रख दी हूँ कटहल उबाल के, इसको मैश कर ली हूँ, इसका कोफ्ता बनाऊँगी। और पुलाव बना के रख ली हूँ, ये देखिए कितना अच्छा पुलाव बना है मेरा। और गुजिया, और यहाँ पर आलू रखी हूँ उबाल के, इसका बनाऊँगी मैं टिक्की। और देख रहे हैं आप लोग कैसे फैला पड़ा हुआ पूरा घर, ऐसे ही फैला रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही रहेगा। और सिमरन बहुत जिद कर रही थी, इसको कैसे कैसे मैं बहका के दूध दूध पिला के सुला दी हूँ, अभी ये सो गई है, अब मेरा काम फटाफट, क्योंकि सिमरन के वजह से ही थोड़ा लेट होता है, आधा टाइम तो मुझे उसके में ही देना पड़ता है। और आज मैं ड्यूटी पर नहीं गई हूँ, आज मैं ली हूँ छुट्टी, और अच्छे से होली एंजॉय करूंगी। आप लोग बने रहिए वीडियो में ऐसे ही, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली दोस्तों, मेरा सारा काम फिनिश हो गया, सब चीज़ मैं बना के रेडी कर ली हूँ, अब बस मुझे नहाना है। नहा के थोड़ा भगवान जी को मैं तिलक लगाऊंगी, उसके बाद होली खेलने की बारी आएगी हम लोगों की। बाहर तो वैसे सब लोग इतना बौराए पड़े हैं ना कि पूछो मत बस खाली कब निकले मैडम जी और कब रंग लगाऊं। तो देखिए मैं क्या क्या आइटम बनाई हूँ, बहुत सारा आइटम बनाई हूँ। पहले शुरू करती हूँ मैं, यहाँ से ये पापड़ है जिसको मैं तल के पॉलीथीन में बांध के रख ली हूँ ताकि ये नरम ना हो। और ये देखिए बनाई हूँ पुलाव, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है पुलाव, बासमती चावल का है ये। और ये है दाल, सादी दाल है ये, बस हरा धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्ची से तड़का लगाई हूँ, और जीरा डाली हूँ, जीरा दाल इसको बोलते हैं हम। और ये है जो है कटहल का कोफ्ता, जिसको बहुत ही मेहनत से बनाई हूँ मैं, और बहुत ही टेस्टी बना है ये। ये देखिए पनीर वनीर तो हमेशा खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार ये बना के खाओ कटहल का कोफ्ता, देखो पनीर भी फेल है इसके आगे। और ये है मीठे में गुलाब जामुन, और पकौड़ा बनाई हूँ, ये देखिए आलू का पकौड़ा है। और ये है ऐसे सादी पकौड़ी भजिया, और ये है सलाद खीरा, और सबसे ज़रूरी ये है गुजिया, जो ज़रूरी रहता है बनाना। तो इसको मैं डब्बे में पैक कर दी हूँ, इसीलिए डब्बे में ही दिखा रही हूँ। तो गुजिया को मैं डब्बे में पैक करके रख दी हूँ, इसीलिए डब्बे में ही दिखा दी मैं आप लोगों को। आप लोगों के घर पे क्या क्या बना है बताइएगा ज़रूर। इतने सारे आइटम बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी। और वैसे पनीर तो हम लोग पनीर ही बनाने वाले थे, मेरे हस्बैंड बोले पनीर बनाना, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पनीर, मुझे ज़्यादा पसंद है यही कटहल का कोफ्ता। बहुत दिन हो गया था खाए हुए, मैं बोली पनीर हमेशा तो बनता रहता है, अब की बार होली पे बनेगा कटहल का कोफ्ता, तो मैंने कटहल का कोफ्ता बनाया, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार होता, आप लोग भी बना के खाइएगा। तो दोस्तों मैं नहा धो के यहाँ भगवान जी को देखो भोग लगाने आ गई हूँ, पानी रख दी हूँ ग्लास में, और ये अबीर भी लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले भगवान से होली खेलते हैं फिर अपने में खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कर लिया, अपने भी लगा ली हूँ थोड़ा सा, टाइम आ गया है होली खेलने का। ओ हैप्पी होली, हम तो भाई ऊपर थोड़ा ही होता है, ऐसा तो मेरा लोन हो गया है, दीदी को देख मोबाइल की दीदी हैप्पी होली दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली बोलो। ऐसे क्या बस अब जीजक लगाई
हैप्पी होली। नहीं खाने में नहीं गिरेगा, थोड़ा थोड़ा ही लगाई हुई। देखा था मामी लोग काम कर रहे थे नहीं? हेलो दोस्तों, तो हमारी होली अब की बार वाली ऐसे भी थी, बहुत ही खुशी से बहुत ही रंगीन होली हमारी गई। आप लोगों की कैसे गई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो मैं अब यहीं पे एंड करूंगी और मिलती हूँ आप लोगों से कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, होली एंजॉय कीजिए।